तो दोस्तों, अगर आपके पास है वीवो T3X 5G फ़ोन, जैसा कि लाइव यहां पे आप देख सकते हो, और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं इस फ़ोन में दोस्तों रैम इंक्रीज़ करना है, रैम बढ़ाना है, तो रैम कैसे बढ़ाओगे यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों हम अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करते हैं, नीचे जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा अबाउट फ़ोन, यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखते हो कि हमारे फ़ोन में दोस्तों 4 GB रैम है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 4 GB और बढ़ाएंगे, यानी 8 GB करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसके लिए सिंपली आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन करके नीचे को आना है, और यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रैम स्टोरेज स्पेस, यहां पे क्लिक करना है। और यहां पे रैम देखोगे 4 GB हमारा है, जिसमें से 2.38 GB हमने यूज कर लिया है। अब यहां रैम पे क्लिक करना है, और यहां पे देखोगे एक्सटेंडेड रैम 4 GB यहां पे और बढ़ा सकते हो, तो इसे इनेबल करना है। और जैसे ही इनेबल करोगे, थोड़ा सा यहां पे आपको वेट करना होगा, ठीक है, कुछ यहां पे सेकंड चलेंगे, उसके बाद में रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, और आपका फ़ोन दोस्तों थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ हो जाएगा, और फिर जब ओपन होगा सक्सेसफुली 4+4 यानी 8 GB रैम हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फोन सक्सेसफुली ऑन हो चुका है, ठीक है, और हम अपने फोन की सेटिंग को ओपन करेंगे और नीचे को जाएंगे, यहाँ पे अबाउट फोन पे आएंगे, और यहाँ पे दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों देखोगे हमारे फोन में सक्सेसफुली 4+4 GB हो चुका है, 8 GB आप देख सकते हो लाइव। तो इस प्रकार से आप भी अपने वीवो T3X फोन में रैम इंक्रीज कर पाओगे।